बुजुर्गों ने है फरमाया कि अपने पैरों पे खड़े होकर दिखलाओ तो ये जमाना तुम्हारा है। ये वाला गाना आप सभी ने जरूर सुना होगा। और आज हम बात कर रहे हैं पैरों की। सिर्फ पैर पे तेल या घी लगाना 2 मिनट का ये काम आपको इतने सारे चमत्कारी फायदे दे सकता है कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे चरक ऋषि द्वारा कहे गए पैर में घी लगाने के चमत्कार की और इस बारे में मॉडर्न साइंस क्या कहता है, पैरों में घी लगाने का सही समय कब है और कौन सी वो बीमारियां हैं जिसमें घी या तेल पैरों में नहीं लगाना चाहिए। इन सभी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, जहां मिलेगी आपको आयुर्वेद की एकदम सही सही जानकारियां। और आज हम बात कर रहे हैं पैरों में तेल या घी लगाने के चमत्कारी फायदों की। यह इतनी फायदेमंद टेक्निक है कि इसके बारे में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति पैरों में तेल या घी लगाता है उसके पास बीमारियां कभी नहीं आती। वैसे ही जैसे कि चील या बाज के रहने पर सांप आसपास नहीं दिखाई देते। तो क्या इतना चमत्कारी फायदा मिल सकता है पैरों में तेल लगाने के? चरक ऋषि ने अपनी चरक संहिता के सूत्र स्थान में अध्याय 5 उसमें 90-92 श्लोक में पैरों में घी लगाना कितना ज्यादा विशेष और आपके लिए महत्वपूर्ण है वो सभी बताया है। वो अपने पहले श्लोक में कहते हैं, खरत्वम स्तब्धता रोक्षम श्रम सुप्तिश्च पादयो। आयुर्वेद में पैरों में तेल लगाने को पादाभ्यंग कहा जाता है, हिंदी वाला पाद नहीं। हम यहाँ बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक पाद की। पाद शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है पैर। अब भाषा बदलते ही शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, जैसे कि उर्दू का फूल और इंग्लिश के फूल में बहुत बड़ा अंतर है, या फिर हिंदी या उर्दू का सफर और इंग्लिश के सफर में कई गुना अंतर है। तो वैसे ही संस्कृत के और आयुर्वेद की जो पाद शब्द हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर है। संस्कृत शब्द पाद का अर्थ होता है पैर, अभ्यंग का अर्थ होता है पैरों में तेल लगाना। तो चलिए जानते हैं पादाभ्यंग के क्या क्या फायदे हैं। चरक ऋषि अपनी चरक संहिता के सूत्र स्थान में 5 अध्याय के 90-92 श्लोक में पूरे के पूरे चमत्कारी फायदे बताए हैं पैरों में तेल मालिश के। तो चलिए जानते हैं। वो पहले श्लोक में कहते हैं, खरत्वम स्तब्धता रोक्षम श्रम सुप्तिश्च पादयो। वो कहते हैं खुरदुरापन, जो भी पैरों के अंदर खुरदुरापन आ जाता है, खरत्वम स्तब्धता, स्तब्धता अर्थात स्टिफनेस, पैरों में जकड़ाहन अकड़न आ जाना, उस बीमारी में रोक्षम, जो पैरों के अंदर रूखापन आ जाता है, खास करके जो ठंडियों के समय में होता है कि पैरों के अंदर रूखापन ज्यादा आ जाता है, श्रम सुप्तिश्च पादयो अर्थात जो भी पैरों में थकान होती है, वो चाहे रनिंग करने के कारण हो, काम करने के कारण हो, ज्यादातर खड़े रहने के कारण होने वाली बीमारियां, जैसे कि ट्रैफिक हवलदार या फिर कंडक्टर या फिर जो लोग खड़े खड़े स्टैंडिंग जॉब करते हैं, उन सभी को जो पैरों के रोग होते हैं उनमें शद्य एवोपशमयंती अर्थात तेल लगाने से ये सभी के सभी शमन हो जाते हैं, कंट्रोल में हो जाते हैं अगर आप पैर में तेल या घी लगाते हैं। शद्य एवोपशमयंती पाद्यभ्यंग निषेवणे अर्थात पैरों में अगर आप तेल या घी लगाते हैं तो ये जो सभी प्रॉब्लम पहले कही गई, पैरों के अंदर रूखापन आना या फिर थकान होना या फिर खुरदुरापन आना, वो सबका सब ठीक हो जाता है। तीसरी लाइन में वो कहते हैं, जायते सौ कुमार्यम च बलम स्थैर्य च पादयो, अर्थात जो पैर हैं वो नए हो जाते हैं, सौ कुमार्यम च, और पैरों के अंदर बल स्ट्रेंथ आ जाता है, आपके पैर पावरफुल बन जाते हैं और पैर स्टेबल हो जाते हैं, लंबे समय तक आप अपने पैरों के काम कर सकते हैं, रनिंग भाग दौड़ स्टैंडिंग चलना दौड़ना कूदना, ये सभी जो काम है उसके लिए आपके पैर स्टेबल और मजबूत बन जाते हैं। दृष्टि प्रसादे लभती मारुतश्चोप शमयंती, इसका अब विशेष फायदा आंखों में है। साइंस देखिए आप, मालिश की जा रही है पैरों में पर उसका इफेक्ट मिलता है आंखों में। आंखों की जो कोई भी समस्या या बीमारी है, वो चाहे छोटे बच्चों को हो, बड़ों को हो या फिर बूढ़े को हो, किसी भी तरह की आंखों के रोग में पैरों में तेल या घी लगाना या पैर का जो तलवा होता है नीचे का
उसमें मालिश करना आंखों के लिए एक सर्वश्रेष्ठ और बेस्ट टॉनिक का काम करता है। साथ ही साथ जो भी शरीर में हवा बढ़ी हुई है, आयुर्वेद कहता है कि जितने भी दर्द हैं वो हवा के कारण हैं, शूलम नास्ति बिना वातम। तो जो शरीर में हवा बढ़ी हुई है, पैरों में हवा बढ़ी हुई है, पैरों में पिंडलियों में काफ मसल्स जो होती है वहाँ पे बहुत दर्द होता है, एड़ी फटती है, ऐसी सभी बीमारियों में पैरों में तेल या घी की मालिश सबसे अच्छी और सस्ती दवा है। इतने सारे फायदे बताने के बाद चरक ऋषि कहते हैं अब कुछ बीमारियां हैं जो आपको कभी नहीं होगी अगर आपने पैरों में रोज तेल या घी लगाया तो। वो कौन कौन सी बीमारियां हैं? न च शात गद्रसी वातम। सबसे पहली बीमारी कहते हैं गद्रसी अर्थात सियाटिका। एक जो बीमारी होती है साइटिका, उसमें क्या होता है कि कमर के पीछे से दर्द चालू होकर धीरे धीरे नीचे की तरफ दर्द जाने लग जाता है। यह एक या दोनों पैरों में हो सकता है और इस बीमारी में लोगों की हालत खराब हो जाती है, ठीक से चल नहीं पाते, पैरों में हमेशा दर्द रहता है। ऐसा दर्द होता है जिसमें कि करंट के जैसा दर्द तुरंत आता है, चला जाता है। तो जो गद्रसी या फिर सियाटिका का पेन है, गद्रसी या फिर सियाटिका जो बीमारी है उसकी जो तकलीफें हैं, पैरों के तलवों पे तेल या घी लगाते हैं तो वो बीमारी आपको कभी नहीं होगी। पादयो स्फुटनम नच। पैरों के अंदर जो क्रैक्स पड़ जाते हैं, खास करके ठंडियों के समय में एड़ियों के अंदर जो भी कट आ जाते हैं, एड़ियां जिसे फटना कहते हैं, उसके कारण बहुत दर्द होता है और ऐसी हालत होती है कि चल भी नहीं सकते। तो उस बीमारी से आपको कभी परेशान होने की जरूरत नहीं अगर आप रोज अपने पैरों में तेल या घी की मालिश करते हैं तो। और लास्ट लाइन में कहते हैं न च सिरा स्नायु संकोच। पैरों की जितनी भी नसें हैं, जो भी स्नायु हैं, वो सभी कभी संकोच या सिकुड़ेंगी नहीं। पैरों के अंदर जो आगे चल के गैंग्रीन होता है या फिर पैर सूख जाते हैं, पैरों में ताकत नहीं रहती, उम्र बढ़ने के कारण जो पैरों के अंदर कपकपी आती है, कमजोरी आती है, ऐसे सभी के सभी रोगों से आप बचे रहेंगे। पाद अभ्यंगेन पादयो। पैरों के अंदर अभ्यंग करने से या पैरों के अंदर तेल मालिश करने से। तो रोज पैरों में तेल घी लगाना इतना ज्यादा फायदेमंद है, इसी बात को मॉडर्न साइंस भी कहता है कि जो ड्राई आई सिंड्रोम है, आंखों के ऐसे रोग जिसमें कि आंखें सूख जाती है उस बीमारी में, या डायबिटिक जो डिजीज है जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी या फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटीज में जो आंखें कमजोर होती हैं, या फिर पैरों के अंदर बहुत ज्यादा जलन होती है, पैरों में बहुत गर्मी लगती है, उन सभी बीमारियों में पैरों में तेल मालिश करना बहुत फायदेमंद है। आधुनिक साइंस ऐसा कहता है कि पैरों में तेल लगाने से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, पैरों के मसल्स की स्ट्रेंथ या मस्कुलर पावर बढ़ती है। तो जो लोग भी रनिंग या ऐसे कुछ काम करना चाहते हैं या स्पोर्ट्स में हैं, उन्हें पैरों में तेल घी लगाना बहुत अच्छा है। रिसर्चेस ये भी बताती हैं कि ब्रेन की जो डिजनरेटिव बीमारियां हैं, दिमाग का छोटा होना, दिमाग सूखने लग जाना, स्ट्रेस, चिंता, पार्किंसन, बेचैनी, ऐसी जितनी भी आप दिमाग की बीमारियों के नाम ले लें, उन सभी बीमारियों में खास करके 40 के बाद जो दिमाग के रोग होते हैं उसमें पैरों में तेल घी लगाना बहुत अच्छा है। अगर आपका बच्चा शांत नहीं बैठता, मस्ती करते रहता है, उन सभी बीमारियों में भी पैरों में घी लगाना बहुत फायदेमंद है। तो इतने सारे जो फायदे हैं पैरों में तेल या घी लगाने के, तो वो कब करना चाहिए ये भी तो सवाल उठता है। तो आयुर्वेद कहता है कि दो टाइम सबसे बेस्ट है पैरों में तेल या घी लगाने के। एक तो है सुबह स्नान के समय, जब स्नान से पहले अभ्यंग किया जाता है, पूरे शरीर में मालिश की जाती है, तो तीन जगह को विशेष तेल मालिश करने के लिए कहा ही है। शिरः श्रवण पादेषु अर्थात सिर पे, कान में और जो नीचे का पैर का तलवा है वहां पे तेल मालिश रोज स्नान से पहले जरूर करनी ही है, ऐसा आयुर्वेद का निर्देश है। और दूसरा जो टाइम है वो है रात को सोते समय। रात को सोते समय थोड़ा सा तेल या घी लेकर अगर आप पैर पे मालिश करते हैं तो यह सबसे बेस्ट तरीका है अच्छी नींद लाने का। ऐसे लोग जिनको रात में नींद नहीं आती, करवटे बदलते रहे सारी रात हम, ऐसा गाना गाते रहते हैं, उन सभी के लिए रात में पैर में तेल या घी लगाना बहुत फायदेमंद है। खास करके पैरों में दवा लगा के जो कांसा होता है, ब्रॉन्ज जो होता है, उसके बर्तन से पैरों के तलवे को घसना एक बहुत ही अच्छी और स्वास्थ्यवर्धक टेक्निक है और यह एक तरीका आपको कई बीमारियों से बचाने में कारगर साबित होगा। तो क्या यूज करें, तेल या घी?
अगर आप हवा की बीमारी, वात के रोगों से परेशान हो या कफ के रोगों से परेशान हो, तो तिल का तेल या सरसों का तेल बेस्ट है। पर अगर आप गर्मी से या पित्त से परेशान हो, जलन से परेशान हो, तो उन सभी में पैरों में घी लगाना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब आयुर्वेद में हर चीज के फायदों के साथ नुकसान भी कहे हैं और ये भी कहा है कि कब कब नहीं लगाना। तो कुछ ही कंडीशन है जिसमें आप अगर पैरों में तेल घी ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा है, जैसे कि फीवर, जब आपको ज्वर आया हो तब ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपको अग्निमंद हो, आपका फूड ठीक से डाइजेस्ट ना होता हो, जो खाया है वो हजम नहीं हुआ है, तो भी पैरों में तेल या घी नहीं लगाना चाहिए। हाथी पाव, जिसे कि फाइलेरिया कहते हैं, उसमें या फिर आम वात में, जिनका खाना हजम नहीं होता और जोड़ों में दर्द होता है, ऐसी कुछ दो चार बीमारियां हैं जिसमें पैरों में तेल घी नहीं लगाना चाहिए। बाकी सभी व्याधियों में सभी लोगों को, हर उम्र के, वो चाहे 1 साल का बच्चा हो या 100 साल का बूढ़ा, उन सभी को रोज अपने पैरों में तेल या घी की मालिश 2 मिनट जरूर करनी चाहिए। सिर्फ एक ये छोटी सी आदत आपके सिर से लेके पैर तक के कई बीमारियों से आपको बचा कर रखेगी। तो है ना आयुर्वेद कमाल का, छोटी छोटी बातों में उसने कई सारे बड़े बड़े फायदे बता के रखे हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है वो भी अपने पैरों पर खड़े होकर दिखला दे। और ऐसे ही आयुर्वेद की मजेदार जानकारियों के लिए यूट्यूब पर ओज आयुर्वेद इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि नई नई जानकारियां आपको हमेशा मिलती रहे। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पैरों पे तेल मालिश जरूर करो। धन्यवाद।